हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग हॉस्पिटलाइज था एंड उसे लंजा को सब कुछ बता दिया था कि वो विंग है, मोशेनु नहीं है। एंड लंजा को कहीं ना कहीं बिलीव भी हो गया था। अब वो विंग को विंग के नाम से ही बुलाने लगा एंड विंग लंजा को लंजा से। अब पूरे दो दिन के बाद वो दोनों घर आ गए। ये दो दिन उनके लिए बहुत ही बोरिंग था, स्पेशली विंग के लिए। बट लंजा कंटिन्यू उसके साथ था एंड उसका केयर कर रहा था। इनफैक्ट लंजा ने एक हफ्ते के लिए अपने वर्क से छुट्टी भी लिया था। विंग ने बहुत प्रोटेस्ट किया बट लंजा ने नहीं सुना। विंग कहीं ना कहीं हैप्पी भी था कि लंजा उसका टेक केयर कर रहा है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब लंजा किचन में खाना बना रहा था, विंग वहाँ पर ही था। विंग ने पूछा, सो ये हीट क्या होता है? लंजा खाना बनाते बनाते रुक गया। उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होने लगा। तो विंग ने कहा, मेरा मतलब ये हीट तो होता ही रहेगा ना, तो मुझे जानना चाहिए। लंजा ने कहा, तुमने डॉक्टर वेन से क्यों नहीं पूछा? विंग ने कहा, वो एक लेडी है, उनसे पूछना कितने एम्बेसिंग होगा। एंड वैसे भी अगर मैं उनसे पूछता तो वो मुझे पागलखाना भेज देते, क्योंकि उन्हें लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। कम ऑन हस्बैंड, अपनी वाइफ को एक्सप्लेन तो करो। लंजा के ईयर्स पिंक हो गए थे। उसने कहा, तुम बुक्स पढ़ लेना। विंग ने कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लंजा, अब मुझे तुम ये मत बताना कि तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। कम ऑन, हम दोनों ही एडल्ट्स हैं एंड मैं श्योर हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना तो मैच्योर है कि वो अपनी वाइफ को ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सके कि अचानक से क्यों मैं इतना हॉट हो गया था, क्यों मेरे बॉडी में डिजायर्स बढ़ रहे थे एंड क्यों। तभी लंजा ने कहा, विंग ने हंसते हुए कहा, फाइन फाइन, मैं ऐसे लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। अब मुझे बताओ कि ये कब कब होता है एंड मुझे क्या करना चाहिए। लंजा ने कहा, हर 3 महीने में एक बार होता है एंड नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं सब कुछ पहले से अरेंज कर लूँगा एंड मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा जो तुम्हें चाहिए होगा। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा। तभी लंजा ने कहा, यूजुअली ये इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता, बट मैंने सुना है कि अगर कोई सप्रेशंस लेना अचानक से बंद कर देता है तो उसके लिए ये हीट बहुत ही हर्स हो जाता है। विंग ने कहा, ग्रेट, देन नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगा। लंजा ने कहा, देन एक लॉन्ग पॉज के बाद लंजा ने कहा, मैंने मोशेनु के बारे में पूछा कि क्या मोशेनु म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो मुझे पता चला कि वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता था। विंग ने कहा, तो फाइनली तुम्हें मुझ पर बिलीव हुआ? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, वेल आई एम ग्लैड, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे किसी और के नाम से बुलाए, यू नो। तुम अपने फैमिली को क्या बताने वाले हो? लंजा ने कहा, मैं अपने भाई को सच बताने वाला हूँ। विंग ने कहा, ओ तो हम अंकल लानकुन को सच नहीं बताएंगे? ऑल राइट, मैं तुम्हारे जजमेंट पे ट्रस्ट करता हूँ एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, वरना मुझे कोई लैब पर ले जाएगा टेस्ट करने के लिए। तभी लंजा ने कहा, डाउटफुल। विंग ने कहा, हाँ हाँ, आई थिंक सब मुझे पागलखाने भेज देंगे, इससे अच्छा हम किसी को ना बताएं। देन विंग ने कहा, हे मैं तुम्हें पहले बता देता अगर हमारा मैरिज यू नो रियल होता, आई मीन मैं बताना चाहता था बट। लंजा ने कहा, आई नो। विंग ने कहा, गुड, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी और का प्रिटेंड कर रहा हूँ। आई मीन तुम इतने टाइम से एक फुल्ली ऑर्गेनिक 100% रियल विंग के साथ थे एंड वैसे भी मैं टॉल था, इतना शॉर्ट नहीं था, तो इसे याद रखना। लंजा ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, वेल मैं नहीं चाहता कि जब भी तुम मेरी तरफ देखोगे तब तुम मोशेनु के बारे में सोचोगे। लंजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। विंग ने कहा, हाँ? विंग सरप्राइज्ड हो गया। तो लंजा ने कहा, तुम्हारा मैनरिज्म, एक्सप्रेशन बहुत ही डिफरेंट है, तुम जिस तरीके से बात करते हो, तुम्हारा सेंट, सब कुछ डिफरेंट है। तभी विंग को याद आ गया कि लंजा ने पहले बताया था कि विंग का सेंट स्पाइसी है। इसका मतलब मोशेनु ऐसा सेंट नहीं करता था एंड शायद मोशेनु क्वाइट रहता था। तो विंग ने हंसते हुए कहा, आई सपोज मैं सच में किसी का एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं अपने में ही रह सकता हूँ,
इवन अगर मैं डिफरेंट बॉडी में भी रहूँगा तब भी मैं खुद में ही रहूँगा, मैं किसी और का एक्टिंग नहीं कर सकता। लंजन ने कहा। विंग सोच रहा था कि वो लकी है कि उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ है एंड वो यहाँ पर है लंजा के साथ, क्योंकि लंजा बहुत ही अच्छा है, वो गुड लुकिंग है, खाना अच्छा बना लेता है। एंड विंग ने सिर्फ एक बार ही लंजा को कहा था कि उसे स्पाइसी खाना पसंद है एंड नेक्स्ट डे लंजा ने उसके लिए एक चिली ऑयल लेकर आया था। वो कितना अच्छा है, कितना थाटफुल है, विंग ये से भी सोच रहा था। लंजा कैरट काट रहा था एंड विंग उसे देख रहा था। देन विंग ने कहा, लंजा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं मोशैनू नहीं हूँ, क्या तुम इससे फाइन हो? लंजा रुक गया एंड उसने पूछा, तुम्हारा मतलब? विंग ने कहा, आई मीन अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। विंग ने यह सब कह तो दिया बट विंग मन ही मन में सोच रहा था कि अगर लंजा ने उसे इस घर से निकाल दिया तो वो कहाँ पर जाएगा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। दिन लंजा ने कहा, मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया। ये सुन के विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कहा, ओ गुड, आई मीन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वेनिंग के घर चला जाऊँगा एंड आई एम श्योर कि वो मुझे अपना काउच दे देगा सोने के लिए, बट मैं यहाँ पर रहना ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। वेनिंग के नाम सुनते ही लंजा ने शार्पली कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो जितना टाइम चाहे। ये सुन के विंग को अंदर अंदर बहुत ही अच्छा लगा। वो सोच रहा था कि उसका लंजा कितना अच्छा है। विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब उसके फेस में स्माइल आ गई। उसने कहा, लंजा तुम्हें ऐसे डेंजरस थिंग बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रुक जाऊँ तो? लंजा ने कहा, देन रुक जाओ। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसने अपने फेस में अपने हाथ को रख दिया। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। उन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही ठीक हो गया था। जब भी विंग बांसुरी बजाता है लंजा उसे ज्वाइन करता है अपने गुचिन के साथ। वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहते। विंग को पता नहीं कि उन दोनों के बीच में क्या चेंज हो गया है, बट लंजा जैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गया है। वो उसका सब कुछ सह लेता है एंड वो विंग को कुछ भी नहीं कहता। इससे पहले उन दोनों ने एक साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं किया, बट अब वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। हाँ, कभी कभी लंजा गुस्सा हो जाता है विंग के बातों से। ऑफकोर्स लंजा इज़ लंजा एंड विंग इज़ विंग। विंग कभी कभी बहुत ही शेमलेस कमेंट करता है एंड कभी कभी मिसबिहेव करता है तो लंजा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट ज़्यादा नहीं। उन लोगों ने एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। कभी कभी विंग लंजा को खींच के मूवी देखने के लिए ले जाता है। एक दिन जब लंजा एंड विंग मूवी देख रहे थे, वो मूवी अल्फा एंड ओमेगा मूवी था, जहाँ पे अल्फा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था, हैंडसम था एंड मोस्ट एग्रेसिव मैन था, बट ओमेगा जो बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही काइंड था। मूवी देखते टाइम लंजा के कानों में विंग कंटिन्यू व्हिस्पर किया जा रहा था, कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था एंड वो सिनेमा हॉल था, ऑफकोर्स कोई बात नहीं कर सकता, तो लंजा कंटिन्यू विंग को कह रहा था, विंग चुप हो जाओ। बट विंग कहाँ सुनने वाला था, वो कंटिन्यू बोले जा रहा था। जब मूवी में ओमेगास का हीट वाला सीन दिखाया जा रहा था, तब विंग ने लंजा के कानों में कहा, लंजा क्या यही मेटेड कपल होता है? आई मीन मेरा हीट तो ऐसा नहीं था। लंजा को देख के लग रहा था कि वो क्लियरली सफ़र कर रहा है। विंग ने कहा, रियली वो औरत कैसे मान गई बेड पे जाने के लिए? आई मीन ये अल्फा, ये कितना बुरा है एंड वो ओमेगा उसे हेट करती है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या यही अल्फा का हीट होता है? नो वेट लंजा, ये रट क्या होता है? अब लंजा सह नहीं सकता था, उसने अपने हाथों से विंग के मुंह को बंद कर दिया। विंग ने बहुत कोशिश की बात करने की बट वो नहीं कर पाया। फाइनली विंग ने हार मान लिया। देन मूवी देखते टाइम वो कभी कभी लंजा की तरफ देख रहा था उसके रिएक्शन देखने के लिए, बट विंग ने देखा कि कभी कभी लंजा भी उसकी तरफ देख रहा है एंड जैसे ही विंग ने लंजा की तरफ देखा, लंजा ने अपने आइस को टर्न कर लिया। ये सब देख के विंग को एक स्ट्रेंज फील होने लगा। अब मूवी देखने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में थे, खाने का वेट कर रहे थे। रेस्टोरेंट में फिर से विंग ने उस रड वाले टॉपिक को उठाया, बट लंजा ने कहा, ये पब्लिक प्लेस है, हमें इसके बारे में प्राइवेट में बात करना चाहिए। तो विंग ने कहा, तो तुम घर जाने के बाद मुझे एक्सप्लेन करोगे? लंजा ने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता।
तो लंजर को ऐसे देख के उइंग हंसने लगा। तो लंजर ने उसे एक ग्लेयर दिया। उइंग ने कहा, फाइन, भूल जाओ कि मैंने तुमसे पूछा था, मैं वेनिंग से पूछ लूँगा। एज एक्सपेक्टेड लंजर का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजर ने कहा, बिल्कुल नहीं। उइंग ने कहा, वो कहीं मुझे सेमलेस नहीं बुलाता, इनफैक्ट उसे लगता है कि मैं बहुत ही चार्मिंग हूँ। लंजर ने कहा, अच्छा ये बात है। उइंग लंजर की तरफ देखा, लंजर का आइस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। उइंग ने कहा, वेल उसने कभी कहा नहीं, बट आई थिंक ऐसा ही है। इनफैक्ट लंजर मैं कभी कभी बहुत ही चार्मिंग दिखता हूँ, तुम्हें नोटिस करना चाहिए था। लंजर ने कहा, क्यों? उइंग ने कहा, एटलीस्ट फॉर मैरिज यू नो, स्पाउसेस एक दूसरे को एक दूसरे के गुड क्वालिटीज़ को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एडमायर करता हूँ कि तुम कितना हैंडसम हो एंड तुम कितने अच्छे गुजिन प्ले कर लेते हो एंड तुम कितने ड्यूटीफुली अपने वर्क करते हो। इसका कि वो और कुछ कहता, खाना आ गया। लंजर को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि अब उइंग का पूरा कंसंट्रेशन खाने के ऊपर है, उस जड़ वाले बात पे नहीं। जब वो दोनों घर आ गए, लंजर अपने रूम पे भाग गया एंड उइंग फ़ोन पे सर्च कर रहा था रट के बारे में। उसे फिर से सिर्फ लव मेकिंग एंड अदर सीन्स ही दिखाई दिया। इस बार उइंग ने इस बात को अवॉइड नहीं किया, उसने वीडियो पे क्लिक किया। उसने वीडियो पे देखा कि अल्फाज कितने एग्रेसिवली ओमेगास के साथ लव मेकिंग कर रहे हैं। ये सुनकर उइंग को बहुत ही अजीब लग रहा था, बट वो सोच रहा था कि उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं, ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों उस तरीके के रिलेशन में तो नहीं है। बट उइंग सोच रहा था, जब मोशेनू यहाँ पर था एंड लंच का रट हो रहा था, तब मोशेनू ने क्या किया? तब वो अपने आप से कहने लगा कि उसे इस पर में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही रिडिक्यूलस थॉट्स है। यही सब सोचते सोचते उइंग सो गया। एक दिन वेनिंग ने उइंग को इनवाइट किया अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। उइंग ने हाँ भी कर दिया। उइंग ने लंजा को भी इनवाइट किया आने के लिए, बट लंजा ने कहा कि उसका काम है तो वो नहीं आ सकता। उइंग को लगा कि कहीं ना कहीं लंजा वेनिंग को पसंद नहीं करता। उइंग को लग रहा था शायद वेनिंग ने कभी लंजा को एक बुरा कॉफ़ी दिया था, जिसकी वजह से शायद लंजा वेनिंग पर गुस्सा है। जब उइंग जा रहा था, सडनली लंजा ने उइंग के हाथ को लिया एंड उसे अपने सेंट से सेंटेड कर दिया। उइंग को बहुत ही अजीब लगा, बट उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसे लगा शायद ये इम्पोर्टेंट है, तो उसने कोई भी कंप्लेन नहीं किया। अब उइंग वेनिंग के घर चला गया। वहाँ पे ऑलरेडी वेनिंग के सारे दोस्त थे एंड वेंचिंग भी थी, जो उइंग को बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देख रही थी। वहाँ पे वेनिंग के दोस्त मियाँ मियाँ एंड जियान यानली थी। उइंग ने मियाँ मियाँ को एक योंदाव का जोक्स बोला, जिसकी वजह से मियाँ मियाँ हंस रही थी। देन उइंग ने जियान याली के साथ फ्लर्ट भी किया। जियान याली ऑलरेडी मैरिड थी, बट उइंग ने ऐसा जोक्स किया। वेनिंग ने ये चीज़ को देखा एंड देन उसने अपने सिस्टर वेंचिंग को बताया। देन वेंचिंग ने आई रोल किया एंड उइंग को कहा, तुम मैरिड हो ना, अगर लांगवांग जी को पता चलेगा कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो वो क्या सोचेगा? उइंग ने कहा, क्या मैं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता? ये बोल के उइंग जियान याली के पास जाके बैठ गया। देन उसने कहा, एंड वैसे भी लंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के सब लोग उइंग की तरफ देखने लगा। तो उइंग ने कहा, व्हाट? मियाँ मियाँ ने कहा, आई मीन तुम उसके सेंट से बहुत ही हेविली सेंटेड हो, कोई भी देख के बता सकता है कि तुम क्लियरली टेकन हो। उइंग को याद आ गया कि ये बात तो सच है, लंजा ने उसे सेंटेड कर दिया है। तो उइंग ने कहा, हाँ तो यही तो मैरिड लोग करते हैं ना। ये बोल के उइंग सोच रहा था कि जियान याली भी मैरिड है एंड क्लियरली उनके नेक में एक बाइट मार्क दिख रहा है एंड उनसे भी एक सेंट आ रहा है जो मिक्स सेंट है। जब उइंग ये सब सोच रहा था, उसने देखा कि सारे गर्ल्स उसकी तरफ देख रहा है बहुत ही अजीब तरीके से। तो उइंग ने कहा, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, मैं एंड लंजा एक रेगुलर मैरिज में हैं, वो कुछ भी माइंड नहीं करेगा अगर मैं किसी के साथ फ्लर्ट करूँ तो, बट हाँ हम दोनों बहुत ही हैप्पीली मैरिड है, क्या अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया? ये सुन के वेंचिंग ने शाई किया। देन कन्वर्सेशन आगे बढ़ गया। सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया एंड एक दूसरे को अपने बारे में पूछा। सब लोगों ने उइंग को भी पूछा उसके बारे में। तो उइंग ने बताया कि वो लंजा से मैरिड है एंड वो एकेडमी में भर्ती हो रहा है जहाँ पे लंजा पढ़ाता है एंड वो लंजा के साथ हैंग आउट भी करता है। मियाँ मियाँ ने अपने बारे में बताया
एंड जियानली ने भी बताया अपने बारे में। उसने कहा कि उसका हस्बैंड एंड वो बेबी प्लान कर रहे हैं। वेनिंग ने भी अपने स्टडी के बारे में बताया एंड उन लोगों का टाइम बहुत ही अच्छा गया। जब विंग घर पे वापस आया, लंजन उसे चाय ऑफर किया। जब विंग चाय पी रहा था, उसे याद आ गया कि जब वो वेनिंग के घर जा रहा था, जाने से पहले लंजन ने उसे फिर से सेंटेड किया था जब वो दोनों एक दूसरे को पास कर रहे थे। अब फाइनली विंग के ऑडिशन का डेट आ गया। विंग बहुत ही नर्वस था, वो ऑलरेडी एकेडमी में था। तो लंजन ने कहा, नर्वस मत हो। विंग ने कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ, मेरा मतलब हूँ बट नहीं हूँ। तुमने कभी कहा नहीं कि तुम्हारा अंकल जज बनेंगे एंड वो डिसाइड करेंगे कि मैं एकेडमी में भर्ती होऊंगा या नहीं? लंजन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। विंग ने कहा, वो ऑलरेडी ऑडिशन रूम में हैं एंड वो मुझे देखने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड वो मुझे पास कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही लंजन एंड विंग अंकल को विजिट करने गए थे, जहाँ पे विंग ने एक जोक बोला था जिसको अंकल ने सुन लिया था एंड वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंजन ने कहा, इसके बारे में मत सोचो। विंग ने कहा, हाँ तुम तो ऐसे कहोगे ही, तुम तो तब बाथरूम में चले गए थे जब तुम्हारे अंकल एंड तुम्हारे एल्डर्स मुझे लेक्चर दे रहे थे। विंग कंटिन्यू ये सब बोले ही जा रहा था, लंजन ने कहा, विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे कंफर्ट करना चाहिए। आई मीन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम मुझे किस करोगे या फिर कुछ और, बट एटलीस्ट एज अ फ्रेंड, आई मीन हम दोनों तो फ्रेंड्स ही है ना लंजा, तो एज अ फ्रेंड कुछ वर्ड्स तो बोल सकते हो जिसके थ्रू मैं थोड़ा शांत हो सकता हूँ। तभी लंजा ने कहा, सब कुछ ठीक होगा, तुम बहुत अच्छा करोगे। ये सुन के विंग को थोड़ा अच्छा लगा। अब वो नर्वस नहीं है, उसने एक ब्राइट स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत सपोर्टिव हो, मुझे ये बताओ क्या तुम श्योर हो कि मुझे चांस मिल जाएगा? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। विंग लंजा के और भी क्लोज आ गया एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे ऑडिशन के लिए, सब उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगे। विंग ने कहा, अच्छा लंजा ये बात है, मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या होगा अगर मैं अपने हस्बैंड को कहूँ कि मुझे किस दे, आई मीन एज अ कम्फर्ट? क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आई मीन इस सिचुएशन में मुझे कम्फर्ट करने के लिए? तभी लंजा ने इमीडिएटली कह दिया, तुम्हें इसे पहले अर्न करना होगा। ये बोलकर लंजा फ्रोज हो गया, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया एंड विंग का भी ब्रीथिंग रुक गया, क्योंकि वो तो क्लियरली टीस कर रहा था, उसने इसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। इसके आगे विंग कुछ कहता, लंजा ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया एंड विंग वहाँ पर ही डम फूककर खड़ा रहा। उसे हंसी आ रही थी, उसका हस्बैंड ने स्ट्रेट फेस के लेके ऐसे सेमलेस बात बोल दिया। वो यही सब सोच रहा था तभी उसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया एंड विंग ने अपना बेस्ट दिया एंड उसने कोई भी मिस्टेक नहीं किया एंड लंजा उसे लेने के लिए आ गया। बट लंजा ने उसे किस नहीं किया। विंग सोच रहा था, दैट्स फाइन, ऑफ कोर्स उनके बीच में एग्रीमेंट है एंड अगर विंग लंजा किस चाहता है तो उसे अर्न करना होगा। अब एक हफ्ता हो गया, विंग ने लंजा के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखा है। विंग ने नोटिस किया कि एक दिन जब लंजा खाना बना रहा था एंड विंग उसके शोल्डर में लीन्ड हो गया था, लंजा वहाँ पर ही फ्रोज हो गया था। एंड एक दिन ऐसा भी हुआ था कि जब वो दोनों एक साथ लिविंग रूम को पास कर रहे थे एंड उन दोनों के आर्म्स टच हुए, उसने देखा कि लंजा के हाथों में गुजबम्स आ गए थे। विंग को लगा शायद लंजा सीख है, उसे लंजा के बॉडी का टेम्परेचर चेक किया। जब लंजन इसके बारे में पूछा, विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वॉरिड हूँ, क्या होगा अगर तुम सीख हो गए तो? मुझे पेशेंट का टेक केयर करना नहीं आता, क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो? लंजा तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि पेशेंट के टेक केयर कैसे करते हैं, जैसे तुमने मेरा किया था हॉस्पिटल में। लंजन ने एक डीप साई लिया और कुछ कहा नहीं। विंग ने नोटिस किया कि कुछ टाइम से लंजा बहुत ही टची हो गया है। आई मीन फ्रेंड्स तो नॉर्मली टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, हक करते हैं, बट लंजा जब भी उसे टच करता है वो टच अलग होता है एंड विंग को बहुत ही हीट फील होता है। एंड जब भी विंग घर से कहीं पर जाता है, जाने से पहले लंजा उसे अपने सेंट से सेंटेड कर देता है।
एंड जब भी वो लोग पब्लिक में होते हैं, लंचा का हाथ हमेशा विंग के वेस्ट में होता है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ था जब वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे एंड विंग के लिप्स के कॉर्नर में एक खाने का टुकड़ा था। लंचा ने अपने हाथों से उस टुकड़े को स्वाइप किया था एंड कुछ टाइम के लिए विंग का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। विंग ने नोटिस किया कि जब भी लंचा उसकी तरफ देखता है उसका आईज हमेशा डार्क रहता है, जो फैमिलियर नहीं है। विंग ने इसके पहले ऐसा कहीं भी नहीं देखा था। एक दिन जब विंग जियानी अली के साथ हैंग आउट करके घर वापस आया था, वो इमीडिएटली लंचा के रूम पे चला गया था कुछ फन न्यूज़ कहने के लिए। उसने नॉक तक नहीं किया। जब वो रूम के अंदर चला गया, लंचा बिल्कुल नेकेड था एंड उसके लोअर बॉडी में सिर्फ एक टॉवल था। विंग बिल्कुल स्टक हो गया था। लंचा शर्टलेस था, पैंटलेस था, सिर्फ टॉवल में था एंड लंचा के बॉडी से सोप एंड सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। लंचा विंग के बहुत क्लोज था, बहुत ही ज़्यादा। लंचा के बॉडी देख के विंग को लग रहा था कि सियोर लंचा वर्कआउट करता है, क्योंकि लंचा का मसल्स था, एब्स था। विंग सिर्फ लंचा के बॉडी को ही देखे जा रहा था एंड वो सोच रहा था अगर लंचा किसी इंसान को, उसे अगर उठाकर दीवार पे पुश कर दे एंड पिन कर दे तो लंचा को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंचा बहुत ही पावरफुल है। धीरे धीरे विंग का नज़र लंचा के लोअर बॉडी पे जा रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो अभी मर जाएगा। लंचा ने डीप वॉइस में कहा, विंग। विंग आई भी लंचा के लोअर बॉडी को देखे जा रहा था। उसने कहा, व्हाट्सएप। लंचा ने कुछ कहा नहीं। वो दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। लंचा ने कहा, तुम मेरे रास्ते में हो। फाइनली विंग ने लंचा की तरफ देखा, लंचा के आईज की तरफ, जो उसका सबसे बुरा डिसीजन था क्योंकि लंचा का आईज डार्क था। विंग ने ड्राइली कहा, मैं सिर्फ तुम्हें हाई कहना चाहता था। लंचा ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ वो उसकी तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, एंड मैंने अब तुम्हें हाई कह दिया तो देन हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले अपने आप को कवर कर लो। विंग ने देखा कि लंचा का आईज अब विंग के लिप्स पे है। उन दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा था, ना ही विंग और ना ही लंचा। वो दोनों बहुत क्लोज थे। धीरे धीरे लंचा ने विंग के हाथ को पकड़ा बट उन दोनों ने अपने आई कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं किया। लंचा को ऐसे देख के विंग के हार्ट बीट बढ़ गया था एंड विंग के हाथ के पल्स भी, जो लंचा फील कर सकता था। लंचा ने धीरे से विंग के हाथ को पकड़ के अपने रास्ते से साइड कर दिया, बट फिर भी उसने विंग के हाथ को छोड़ा नहीं। कुछ टाइम के लिए वो दोनों वैसे ही खड़े थे एंड देन लंचा ने धीरे धीरे विंग के हाथ को छोड़ दिया एंड देन लंचा अपने रूम पे चला गया एंड विंग अपने रूम पे चला गया। उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगा। वो उस लंचा के बॉडी को याद करने लगा एंड लंचा के उस डार्क आइज को। उसे और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।